कांग्रेस ने आजादी के 60-65 वर्षों तक शासन करने के बाद भी देश को समस्या थी। आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की हो, जातिवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, भाषावाद का हो या परिवारवाद का, ये जितनी भी समस्याएं दी हैं ये कांग्रेस ने दी है। जो कांग्रेस समस्या दे रही हो देश को, बहनों और भाइयों, जब ये देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में हमें इस कांग्रेस को जो समस्या का नाम है इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये लोग लड़ाएंगे आपस में, कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी की कार्यक्रमों को और उनकी नीतियों को आपने देखा होगा, कैसे वहां जब भारत के अंदर रहते हैं यूपी में आएंगे तो हरियाणा की बुराई करेंगे, केरल में जाएंगे तो यूपी की बुराई करेंगे, और जब भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की बुराई करेंगे। जब देश पर संकट आता है तो भारत के 140 करोड़ की आबादी उन्हें नहीं दिखाई देती, जब देश संकट में होता है तो इन्हें इटली में नानी याद आती है तब भारत याद नहीं आता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो संकट में आपका साथी नहीं वो आपका सच्चा साथी